वीडियो शो। अभी फाइनली हम निकलने हैं फ़ोटो शूट एंड वीडियो शूट के लिए, जो प्रेगनेंसी का शूट होता है। और ये मैंने पिंक डाल रखा है। और हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, अभी 5 बज चुके हैं। और जो भाई शूट करने के लिए आया हुआ है वो पहुंच चुका है। और प्रियंका ने भी पिंक डाल रखा है और एक ब्लैक ब्लैक है, वो जाके आपको वहीं दिखेगा। अभी ये पहन के जा रहे हैं, इसमें शूट कराएंगे, फिर ब्लैक में कराएंगे और वगैरह वगैरह कराएंगे। ब्लॉग एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और कैसे कैसे हम शूट करते हैं वो सब देखने को मिलेगा, है ना प्रियंका? कहाँ जा रहे हैं? बेबी शूट कराने। बेबी शूट कराने, आधा अधूरा मेकअप। आधा अधूरा मेकअप किया इसने, क्योंकि मैं रात में हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, मैं लेट सोया था, फिर लेट उठा और फिर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से अपना कपड़े पे ये जो पहन रखे हैं ये लेने गए। यहाँ जैसे ही पहुँचे वैसे ही भाई का कॉल आ गया कि मैं लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, जल्दी आ जाओ। फिर हमने खाना खाया, एक एक पराठा खाया और फटाफट नहाया, तैयार हुए और फिर आप लोगों से मिलने। सो अभी हम निकलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हो। और कैमरा वगैरह इसी में डाल दें, जो कैमरा है वो मैं ही लेके जा रहा हूँ। ये रहा कैमरा और इधर स्टैंड रखा हुआ, और इसी में प्रोक्स वगैरह हैं जो बेबी, मतलब वहीं पर आपको दिखेगा सारी चीज़ें। कंटिन्यू रहना और चलिए निकलते हैं और आप लोगों को डायरेक्ट मिलते हैं लोकेशन पे। सो गाइस, अभी लोकेशन पे पहुंच चुका हूं और प्रियंका गई है वॉशरूम कपड़े चेंज करने। उसके बाद करते हैं फ़ोटो शूट स्टार्ट और एक वीडियो बनाएंगे मस्त सी, और आगे व्लॉग में बने रहना। और सो गाइस, अभी चल लिया कैमरा की टेस्टिंग और कंप्लीट होते ही करेंगे शूट स्टार्ट। और मैं पहनूंगा इधर बैंड पापा वाला और प्रियंका पहनेगी मम्मी वाला, इसमें कुछ नया नहीं है, पहनेंगे मगर। सो गाइस, अभी मतलब एक ड्रेस का हो गया है और दूसरी ड्रेस का हो रहा है, और प्रियंका के चेंज करने और मेरा ओनली हो रहा है भाई। मज़ा आया और वीडियो एडिट करके दूंगा तो देखना, प्यार देना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। अभी यहाँ हम शूट कर रहे हैं पुल पे और बहुत तेज़ से आंधी चल रही है, बारिश होने वाली है लग रहा है, और पता नहीं आगे। अभी शूट कर लेते हैं जल्दी। तो गाइस, अभी शूट करके आ गए हैं और इधर बाज़ार एक पड़ गई है मार्केट, तो सोचा क्यों ना सब्ज़ी लेते हुए जाएँ, क्योंकि उधर बहुत महंगी सब्ज़ी मिलती है, तो सब्ज़ी लेके जाते हैं। ठीक गाइस, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि हम घर पे हैं, 10:30 बज चुके हैं और अभी हम 10 बजे घर पहुँचे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, 8 बजे हम वहाँ से निकल गए थे, 2 घंटे मतलब आने में लग गया है। मार्केट पे हो लिए और चाउमीन वगैरह आइसक्रीम से खिला दी, अभी दूध वगैरह सब ले आई है। और हमारा जो सूट हुआ है अच्छा हो गया है, मतलब उतना भी अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि जिस भाई को मैंने बुलाया था वो हमसे 1.5 घंटा पहले ही पहुँच गया था। जैसे मैंने बताया कि सुबह हम मतलब रात में लाइट नहीं थी तो मैं लेट सोया सुबह 6 बजे, फिर लेट जगा 12 बजे, हमें निकलने में 12 बजे मतलब तैयार हो गया था मैं, 11:30 बजे सो के उठा था और फिर इस हॉस्पिटल गए, वहाँ यहाँ गए तो टाइम हो गया। जब मैं घर में मतलब गेट एंट्री कर रहा था ना, वैसे ही भाई का कॉल आ गया था, मैं निकल रहा हूँ तुम पहुँच जाना 1/2 घंटे। मैंने ठीक है, फिर वो 1/2 घंटे में पहुँच गए और फिर हम खाना खा रहे थे, तैयार हुए, ठीक है ना। ऐसे ही 4:30 बज गए, फिर हम यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, ट्रैफिक भी था दूर भी था इसलिए 5:30 बजे पहुँचे। कैमरा सेट होने में और वो सब होने में टाइम लग गया, तो एक ड्रेस में दिन में ही मतलब सनलाइट में ही सूट हो गया था, वो अच्छा हुआ होगा। और एक फिर नाइट, और मेरे साथ कोई था भी नहीं, हम दो थे, एक वो भाई थे जो कैमरा चला रहे थे कि ब्लॉग में आप लोगों को दिखा पाए, दिखा नहीं पाए, आई एम सॉरी, मगर मैं क्लिप ऐड कर दी होंगी, आपने देख ही लिया होगा पहले। और मैं कैमरे में दिखाने वाला हूँ कि कैसा कैसा शूट हुआ है और कैसा कैसा हमारा शूट हुआ। जब अभी कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब ये फाइनल एडिट होके जब मेरे चैनल पे डलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, और जब बढ़िया लगेगा अच्छा लगेगा, कि अभी कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ है कहाँ नहीं, वो सारा एडिट मैं ही करूँगा दुकान में, अपनी शॉप पर बैठ के ऑफिस में। और अभी मैं दिखाता हूँ कैमरे की क्लिपें कैसी कैसी आई।
सो गाइस कुछ ऐसा रहा हमारा सूट और ज़्यादा मज़ा आया, मगर उतना टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि सुबह उन्हें भी हॉस्पिटल जाना था और हमें भी जाना था और दिन में बहुत सारी धूप रहती है, थोड़ा लेट हो गए। कपड़े भी हमने लिए थे आज ही, इसलिए टाइम नहीं रहता यार। ऑफिस में ही सुबह 10 बजे जाता हूँ, रात में 10 बजे आता हूँ, तो कैसे टाइम मिले। और थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है वीडियो एडिटिंग में निकाल लेता हूँ और वीडियो शूट करने में, इसलिए अच्छे से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो फिर फुल टाइम ब्लॉगिंग ही करूँगा और लाइफस्टाइल दिखाऊँगा, प्रियंका की लाइफस्टाइल दिखाऊँगा और जो आने वाला हमारा बेबी बॉय या बेबी गर्ल है उसके बारे में दिखाऊँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे जब ही। प्रियंका मज़ा आया तुझे सूट पे? ज़्यादा ही आया। जो एक्टिंग करने के लिए मेरे से कैसा लग रहा था? यही सब मेरे से होता नहीं है वैसे, पर करना पड़ेगा। वो तेरे को क्या कह रहा था, नाम क्या ले रहा था तेरा? प्रिया। नाम है मेरा प्रियंका, वो प्रिया प्रिया बोलते हैं। वैसे वो आए थे जहाँ से प्रियंका के उधर, हाँ इसे जानते हैं पहले से, और जहाँ पे इसका घर था उसी मतलब वहाँ पे हमारी शॉप थी, वहीं पे ये बैठते थे काउंटर पे। वो भाई जैसा ही है अपना, साथ में ही हमने काम सीखा था और आज वो वहाँ है और हम यहाँ हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा है ना, पूरे दम लगा दो हमारे बेबी वाले वीडियो पे मिलियन। हाँ मिलियन में भी जाने चाहिए है ना। हाँ तो चले जाएंगे ना, आप लोग चाहोगे तो मिलियन क्या 2 मिलियन 5 मिलियन भी जाएंगे, बस आप लोगों का प्यार बना रहे। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। सो बाय।